कहते हैं देशभक्ति से बड़ी कोई सेवा नहीं होती है और राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई जज्बा नहीं होता है। इसी बात को चरितार्थ किया है एक गांव की किसान की बेटी पूजा नागर ने। पूजा नागर का हाल ही के दिनों में BSF में चयन हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में चयन के बाद उनकी 1 मार्च को ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग करने के बाद वो पहली बार अपने गाँव लौटी। जब गाँव लौटी तो गाँव ने भी अपनी इस लाडली बेटी का बड़ी ही धूमधाम से डोहल नगाड़ों पर स्वागत किया। जी हाँ, पूजा नागर का चयन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हुआ है। देशभक्ति की अपनी मिसाल उन्होंने पेश की है। पूजा का चयन के बाद ज्वाइनिंग हुई और ज्वाइनिंग होने के बाद जब वो पहली बार अपने गांव में लौटी तो गांव के बूढ़े बच्चे जवान महिला पुरुष ने घर से बाहर निकलकर अपनी बेटी का स्वागत किया। देशभक्ति गानों पर ढोल नगाड़े की आवाज़ पर बड़े ही गाँव वालों ने देशभक्ति माहौल में नाच गाने पर अपनी बेटी पूजा नागर का स्वागत किया है। यह स्वागत ऐसे हुआ जैसे किसी मंत्री का हो रहा है, जैसे किसी IAS का हो रहा है। ऐसे अपने गांव की इस लाडली का स्वागत अपने गांव वालों ने किया। ये बात है पूजा नागर के स्वागत की। पूजा नागर राजगढ़ जिले के मलावर गांव के पास स्थित जामुनिया गाँव की रहने वाली है। उनके पिता किसान हैं और पूजा की हर राजगढ़ जिले में जैसे बचपन में ही शादी हो जाती उसी तरह से उनका भी विवाह हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने देशभक्ति का रास्ता चुना, BSF को चुना और सफलता पाई है। और गांव वालों ने अपनी इस बेटी को पलकों पर उठा लिया है। पहली बार जब उनका गांव आगमन हुआ है तो बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया है। देखिए पूरा वीडियो और पसंद आए तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सवाल है देशभक्ति का एक बेटी का। जय हिंद, जय भारत।